हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार में एक नई भर्ती आ चुकी है जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से आया है भर्ती, जो कि सभी ज़िलों के लिए बिल्कुल नई भर्ती है और सभी ज़िलों में इसकी भर्ती होने वाली है। जी हां फ्रेंड्स, वो जो पोस्ट का नाम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट आईटी मैनेजर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी ज़िलों के लिए भर्ती है और ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 12/9/2019 तक है। इसका पूरा अपडेट जानने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज चाहिए, क्या सैलरी मिलेगी और क्या क्या इसका सिलेबस है, सारा कुछ पूरा अपडेट आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी और बम्पर भर्ती आई हुई है जो कि सभी ज़िलों के लिए भर्ती है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी जान सके और अप्लाई कर सके। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको जो नया अपडेट आया है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से, उसका पूरा अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं यहाँ पर आपको लेके इसलिए आया हूँ ताकि आप ये नहीं बोले कि ये फेक है, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है नोटिफिकेशंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाएं तरफ देखिए, दिखा रहा हूँ जूम करके, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजिशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर BSS PMJAY 4/19। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आ चुका है वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड किया हुआ है, चलिए आपको हम दिखाते हैं उसका ऑफिशियल। आप जाके इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और इसको PDF को भी पढ़ सकते हैं। बिहार स्वास्थ्य समिति सुरक्षा समिति BSS ABPMJAY एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए 4/19 है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजिशन, यहाँ पर जो ये वैकेंसी आई हुई है, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन ABPMJAY के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है जो कि आपको 3 साल के लिए लेगा। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको जो अवधि विस्तार दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको पूरा अपडेट। यहाँ पर दो तरह का पद यहाँ पर है, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक है स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर IT और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए आपको जो मंथ सैलरी मिलेगा मंथली, वो मिलेगा आपको 42,000 रुपये। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, PGD इन हेल्थ केयर या MBA या मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड UC यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स हेल्थ और रिलेटेड प्रोग्राम्स में होना चाहिए, एसेंशियल है, ज़रूरी है 5 साल का। और जो डिजरेबल है वो मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स और इंश्योरेंस इंडस्ट्री और TPM, ठीक है। दूसरा पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर IT, इसमें सैलरी मिलेगा आपको 40,000 रुपये पर मंथ। और इसमें आपको MCA या पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस या IT या MBA इन IT या कंप्यूटर साइंस या BTech इन IT या कंप्यूटर साइंस और BTech इन IT CS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और इसमें भी आपको कम से कम 5 साल का होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और जो डिजिटेबल है वो एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउसिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस इन हेल्थ इंडस्ट्री वुड बी एन एडवांटेज। तीसरा पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट, जो कि 20,000 सैलरी मिलेगा। और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल, वो आपको होना चाहिए ग्रेजुएट, किसी भी आप सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन PGDCA होना चाहिए, ठीक है। और एसेंशियल में आपको जो है 1 ईयर होना चाहिए एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल इन टाइपिंग में कितना होना चाहिए, आपको हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए जो कि आपको 10 मिनट में 300 वर्ड टाइपिंग
टेस्ट लिया जाएगा, इसमें कि 1.5% एरर ही मान्य होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट होगा, ठीक है, जो कि 10 मिनट में आपको 300 वर्ड लिया जाएगा, इसमें भी आपको वही 1.5% ही एरर लिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट लेवल का पोस्ट, जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेट लेवल का पोस्ट, जिसमें कि 25,000 सैलरी है। इसमें भी आपको ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप भर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको PGDCA यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना अनिवार्य है। और जो एसेंशियल में 2 साल का चाहिए वर्क एक्सपीरियंस, और इसमें टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में सेम है जो डिस्ट्रिक्ट के लिए था, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, और आपको 1.5% एरर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वैकेंसी का दिया गया डिटेल्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए 38 सीट है, यानी 38 जिला है तो सभी जिलों के लिए एक एक सीट है। इसमें अनरिजर्व के लिए 9 है, अनरिजर्व ओमेन के लिए 5 है, EWS के लिए 3 है, EWS ओमेन के लिए 1 है, EBC के लिए 5 है, EBC ओमेन के लिए 2 है, BC के लिए 3 है, BC ओमेन के लिए 2 है, SC के लिए 4 है, SC ओमेन के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, ST ओमेन के लिए कोई सीट नहीं है, BC के लिए 1 है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर IT के लिए 38 सीट है, इसका भी सेम है कैटेगरी वाइज। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए 38 सीट है, इसका भी सेम है कैटेगरी वाइज। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेट के लिए 12 सीट है कुल, और इसमें अनरिजर्व के लिए 3 है, अनरिजर्व ओमेन के लिए 2 है, EWS के लिए 1, EWS ओमेन के लिए कोई सीट नहीं है, EBC के लिए 1 है और EBC ओमेन के लिए 1 सीट है, BC के लिए 1 सीट है और BC ओमेन के लिए 1 सीट है, SC के लिए 1 सीट है और SC ओमेन के लिए 1 सीट है, ठीक है। ये रहा 12 सीट का पूरा डिटेल्स, तो यहाँ पर जो है और भी जानकारी दी गई है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। अब बात करते हैं एज लिमिट का, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए एज लिमिट है मिनिमम, आपको ये दोनों के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर IT के लिए दोनों के लिए आपको मिनिमम एज है 21 साल, और जो मैक्सिमम एज है वो जनरल और EWS के लिए 40 साल है, जनरल और EWS ओमेन के लिए 43 ईयर्स है, BC और EW और EBC के लिए मैन और ओमेन दोनों के लिए 43 ईयर्स है, और SC ST मैन ओमेन दोनों के लिए 45 ईयर्स है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 10 ईयर्स रिलेशन मिलेगा आपको यदि आप रिस्पेक्टेड कैटेगरी फॉर डिवाइन बॉडी अप्लाई, अगर आप PWD में आते हैं तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों के लिए जो है मिनिमम एज 18 साल है, और मैक्सिमम एज अनरिजर्व EWS ओपन के लिए 28 साल है, और ओमेन के लिए 31 साल है, BC EBC मैन ओमेन दोनों के लिए 31 साल है, और SC ST मैन ओमेन दोनों के लिए 33 साल है, ठीक है। दिव्यांग है तो आपको 10 साल छूट मिलेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो एप्लीकेशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड डिस्ट्रिक्ट IT मैनेजर के लिए, यहाँ पर जो है लगभग सभी के लिए सेम है इसका, जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें और इसके लिए टाइपिंग, उसके लिए टाइपिंग लिया जाएगा। और यहाँ पर जो है टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू 25 नंबर का होगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए और IT मैनेजर के लिए दोनों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है रेशियो दिया गया स्किल टेस्ट के लिए, आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम का सेंटर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट ओनली विल बी कंडक्टेड इन पटना बिहार, ठीक है। और द डिटेल्स ऑफ योर एग्जामिनेशन सेंटर टेस्ट डेट बेस्ट टाइमिंग एंड अदर विल बी मेड अवेलेबल इन एडमिट कार्ड्स, देर इज नो फिजिकल डिस्पैच ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है। ये जो आप लोग को नेट पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे जब आएगा एडमिट कार्ड, ठीक है, एग्जाम के बाद उसमें आपको सब कुछ दिया रहेगा। बाकी एग्ज़ाम जो होगा सब आपका पटना बिहार में होगा, और जो क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए रहेगा वो अनरिजर्व BC EBC और EWS के लिए 33% रहेगा, और SC ST और ओमेन के लिए 30% रहेगा कट ऑफ, ठीक है। और यहाँ टाई ब्रेकर्स में द कैंडिडेट्स सिक्योरिंग मोस्ट मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी रैंक्ड हायर, ठीक है, जिसका भी रैंक हायर रहेगा उसको उस हिसाब से मेरिट में लिया जाएगा, और जो सीनियर रहेगा उसको भी लिया जाएगा, और इसका कि हायर स्कोर इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रहेगा डिग्री में वो भी रैंक में हाई करेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्टिमोनियल्स कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स टू बी सबमिट बिफोर पर्सनल इंटरव्यू एंड इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बिफोर द अपेयरिंग फॉर द टाइपिंग टेस्ट
द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर लिस्टेड बिलो। आपको ये सब देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या क्या, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो फाइनल सबमिट करने के बाद उसको प्रिंट आउट रख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद करके रख लीजिएगा। उसके बाद कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ 10th क्लास और या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट के लिए, और कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट जिसकी डिग्री 10th क्लास का, और कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्लास सर्टिफिकेट जो आप कहीं आप काम किए हैं उसका सर्टिफिकेट का, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, एम्प्लॉई लेटर, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ये सब लेना आपको जरूरी है। और यदि आपका एप्लीकेबल है कम्युनिटी में कास्ट में तो आपको दिखाना पड़ेगा SC ST BC EWS ABC के लिए, ठीक है, और अगर PWD है दिव्यांग है तो उसके लिए दिखाना पड़ेगा, और कॉपी ऑफ वैलिड फोटो ID प्रूफ, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो, वोटर ID कार्ड, पासवर्ड वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको करना है, यहाँ पर दो वेबसाइट दिया गया है, आपको दोनों पर लिंक मिल जाएगा और आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो है अप्लाई चालू नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेट कब से शुरू होने वाला है। तो यहाँ दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट statehealthsocietybihar.org, ये पहला वेबसाइट है, दूसरा है health.bih.nic.in, ये दोनों पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो SC ST के लिए और ओमेन के लिए 150 रुपये का लगेगा यहाँ पर आपको फीस, ठीक है, और बाकी सब के लिए 300 रुपये का फी लगेगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई जो कीजिएगा उसमें आपको लॉगिन ID मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसमें आपको डालना है पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, अपलोडिंग करना है फोटोग्राफ, सिग्नेचर और पेमेंट करना है, और उसके बाद फाइनल सबमिट करना है, और उसके बाद आपको उसको प्रिंट आउट रख लेना है और उसका जो भी आपको प्रिंट आउट किए हैं, ठीक है, जो आप अप्लाई किए हैं उसका रखना है आपको प्रिंट आउट, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम का, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा 11 बजे से, ठीक है, आज हो गया आपको 18 अगस्त, कल 19 यानी कल के बाद परसों से आप लोगों का ये ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा 20 अगस्त से, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर सबमिशन भी आप लोग का कल से ही शुरू हो जाएगी, 20 अगस्त शुरू हो जाएगा, और जो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो तो आप मेरे थंबनेल में देख लिए होंगे, वो 12 सितंबर यानी 12/9/19 तक शाम 5 बजे तक है। और एग्ज़ाम जो डेट होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका भी डेट दे दिया गया है 11 अक्टूबर को आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया सिलेबस, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर IT और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों के लिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। सिलेबस आपको जनरल नॉलेज से पूछेगा, रीजनिंग से पूछेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सबसे यहाँ पर रहेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग यहाँ पर सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। और जो बात करते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के टाइपिंग होगा, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपको मैंने आपको बता दिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का 300 वर्ड टाइपिंग होगा आपको 10 मिनट में, 30 वर्ड के हिसाब से टाइपिंग करना है, और 1.5% आपको एरर सिर्फ मान्य होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यही था अपडेट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वैकेंसी को लेकर मैं सबसे पहले यूट्यूब पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए तो एक लाइक को ठोक दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी अगर आपको परेशानी हो दिक्कत तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये PDF आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई जो शुरू होगा 20 अगस्त से आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और मैं उसके लिए एक नया वीडियो भी लेकर आऊँगा जब शुरू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।